हेलो एवरीवन, कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने का रायता। तो उसके लिए मैंने ये आधा किलो दही ली है और अच्छे से इसको अभी फ्रिज से निकाला है। तो खट्टी नहीं है दही हमारी। और एक बाउल ले रहे हैं, छोटा बाउल है, देखिए इतना बड़ा। एक बाउल ले रहे हैं हम मखाने। तो हम मखाने को हम घी में भी आप फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ड्राई रोस्ट करती हूँ। फ्रेंड ये मखानों को मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ रोटी वाले तवे पे। नॉर्मल तवा लोहे का है, उसी पे कर रही हूँ मैं। आपकी मर्जी है, आप किसी भी नॉन स्टिक में कर सकते हैं, किसी में कर सकते हैं। इसको मैं बगैर घी ऑयल के इस तरह से हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। थोड़े सीले सीले ऐसे रहते हैं, उसमें मज़ेदारी नहीं आती। इस तरह से ये थोड़े से एकदम से अच्छे लगेंगे। इतने ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं, इतने हम अपनी दही तैयार। फ्रेंड, मैंने अच्छे से इसको फैट लिया है दही को, आप बीटर की मदद से, लेकिन मैंने तो स्पून की मदद से इसको फैट लिया अच्छे से। और हमें इसमें कितना पानी डालना है, हम डाल रहे हैं इसमें आधा मग से भी कम पानी। आप अपने मखाने के हिसाब से, दही के हिसाब से पानी इसमें डाल लीजिएगा। थोड़ा पानी डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये मखाने भी थोड़े दही को सोखेंगे। ये बहुत ही लजीज बनती है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छी ताकत वाली चीज़ है। आप ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते गर्मी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बादाम को भिगो के खा सकते हैं। और मखाने तो आप डाइट में ज़रूर शामिल करें, ये बहुत ही अच्छा कैल्शियम का, फाइबर का स्रोत है मखाने। तो फ्रेंड, अब इसमें डाल रहे हैं हम ये है पुदीना, और इसमें एक हरी मिर्च है, उसको मैंने इस तरह से कूट लिया था इमामदस्ते में, चटनी टाइप बना ली है इसकी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें पुदीने से। और फ्रेंड, मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच है काला नमक, क्वार्टर चम्मच है लाल मिर्चें, और फ्रेंड मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, और ये फ्रेंड ये है वो एक पिंच है हींग। इसको मैंने बघार, वो इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप चाहे तो बघार भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको बगैर ऑयल फ्री बना रही हूँ, तो मैं बघार इसमें नहीं लगा रही हूँ, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अगर आपके पास ड्राई पुदीना है तो आप ड्राई पुदीना भी डाल सकते हैं। मेरे पास ड्राई पुदीना ख़त्म हो गया था, तो मैंने हरे पुदीने को मिर्च के साथ इमामदस्ते में कूट लिया था। देखिए बड़ा अच्छा सा इसका एक मिक्सर बन गया है। नमक वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बर्तन में। फ्रेंड, हमने ये हांडी ली है। अगर आपके पास कोयल हो तो कोयला से भी आप इसको, और देखिए मखाने सारे मैं इसमें डाले दे रही हूँ, और अपनी दही जो बनाई है हमने वो भी इसमें डाल रहे हैं। फ्रेंड, इतना अच्छा बनता है ये, कोई मेहमान आ रहे हैं या घर में बच्चों को भी आप मखाने, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी ठंडा ठंडा बहुत ही फायदेमंद है ये। अच्छा मखाने का रायता बनता है ये, बहुत ही अच्छा। इसका अच्छे रिजल्ट के लिए इसको थोड़ी देर रखना पड़ेगा, ताकि ये अच्छे से जब डिप हो जाते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब इसको गार्निश कर दे रहे हैं भुने हुए जीरे से। और थोड़े से लाल मिर्चों से। आप अपनी पसंद का चाट मसाला कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, तो जनाब ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी छोटी सी रेसिपी, तो ज़रूर आप पसंद आएगा। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ सपोर्ट करिएगा मुझे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।